नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि उच्च रक्तचाप का जो इलाज है वो कैसे किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बिलपत्र के पत्ते हैं, देखिए इनका जो पेड़ होता है काफ़ी लंबा होता है। ये यहाँ पे बिल जो है वो फल लगा हुआ है। देखिए इनके जो पत्तों का आकार होता है वो कैसा होता है, एकदम चपटा और जैसे आम पत्ते होते हैं वैसा होता है। लाइनिंग्स होती हैं पत्ते के अंदर और पत्ता जो होता है वो पूरा का पूरा पतला होता है, एक समान होता है। देखिए दिखाते हैं, ये एकदम हरा जो पत्ता है वो है। दूसरे वाले पत्ते हैं जो नए पत्ते हैं, इसका पेड़ जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है और जो बिल होता है वो इसका फल होता है। गर्मियों में अक्सर इसको काम में लिया जाता है, लेकिन बिलपत्र के जो पत्ते होते हैं उनको हम लोग उच्च रक्तचाप के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसके कुछ पत्ते जो है वो तोड़ लीजिए और उसके बाद इसको कूटना है। इसको तब तक कूटना है जब तक कि ये बारीक ना हो जाए। बारीक होने के बाद देखिए अब इसको कूटते हैं और मैं बताऊंगा कि कितना तक कूटना है इसको। इन पत्तों को अपने माम दस्ते के अंदर या पत्थर का जो आपका दस्ता है उसमें ले लीजिए और उसके बाद में उसे कूटिए। इसमें आपको रस नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आप लोग इनको कूटते हैं तो ये एकदम हरे हो जाते हैं, एकदम धनिया पाउडर जैसा जो होता है वैसा हो जाता है। जब इसको आप लोग पानी के अंदर डालोगे तब आप लोगों को ये पता चलेगा कि इनका जो रस है वो पानी के अंदर घुल जाता है और पानी का जो कलर है वो हल्का हरा हो जाएगा। तो इसको तब तक हम लोगों को कूटना है जब तक कि आप लोग इसे कूट सकते हैं, जब तक कि ये पतला ना हो जाए और पूरे के पूरे पत्ते जो हैं वो कूटे नहीं जा सकें। मिक्सर ग्राइंडर को आप लोगों को काम में नहीं लेना है। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर काम में लेते हैं तो गर्म होने के कारण वो अपने जो गुण हैं वो छोड़ देता है। तो आप लोगों को पत्थर से ही इन पत्तों को कूटना है। पत्थर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो भी पत्ते आपके पास हैं उन सभी को आप लोग बारीकी से कूट लीजिए। इसका आप लोगों को पाउडर नहीं बनाना है, आप लोगों को इतना तक कूटना है कि कोई भी पत्ता इसमें शेष ना रहे। इसका जो हरित लवक होता है उसमें से पानी नहीं निकलता है, तो आप लोग इसका जो पानी है उसको आप लोगों को उच्च रक्तचाप के लिए काम में लेना है। उच्च रक्तचाप का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। जिनका प्रेशर हाई हो जाता है वो नमक नहीं खाएं, क्योंकि अगर आप लोग हाई ब्लड प्रेशर में नमक खाएंगे तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ तक कूट लिया है। अब आप लोगों को इस पत्तों को एक गिलास पानी में उबालना है और तब तक उबालना है, एक गिलास पानी जब तक आधा नहीं हो जाए तब तक आप लोगों को इसको गैस पर उबालना है। तो मैंने एक गिलास पानी लिया है और मैं इन सभी को उसमें डाल रहा हूँ। आप लोगों को तब तक ये उबालते रहना है जब तक कि ये पानी जो है वो आधा नहीं रह जाता। धनिया समझ कर इसको अभी नहीं पिए, अभी मैंने गैस का इस्तेमाल किया है। गैस के ऊपर ये पत्ते जो हैं वो उबलने लग जाएंगे, पानी जो है वो आधा हो जाएगा। जब एक गिलास आधा गिलास हो जाए तब आप लोग इसको पी सकते हैं छानकर। थोड़ी देर में ये उबलने लगेगा और पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और जो हरित लवक है, जो इसका पानी है जिसमें इसके गुण आ चुके हैं, वो जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे पसता रह जाएगा। पत्ते जो हैं वो काफ़ी ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए उनको पानी में मेल्ट कर दें, मिला दें।
उच्च रक्तचाप के लिए हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत ही गुणकारी होता है बिलपत्तर का पत्ता। आप ये बिलपत्तर के पत्ते से उच्च रक्तचाप को बहुत मात्रा तक, मैं ये कहूँगा कि 70% तक आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसको दिन में 2 बार पिएं। जिनका उच्च रक्तचाप होता है, जिनको अधिक गुस्सा आता है, अधिक गुस्से के कारण उच्च रक्तचाप होता है, नॉर्मल जो रक्त का चाप होता है वो 120 से लेकर 120 से लेकर 130 तक होता है, और जो निम्न रक्तचाप होता है वो 80 से लेकर 90 तक होता है। तो आप लोग जब नीचे वाला भी ऊपर हो जाए, 90 से ऊपर हो जाए, 110 चला जाए और 120 130 से पार होकर 140 160 चला जाए, तो उसका मतलब कहने का है कि आप लोगों को उच्च रक्तचाप है, तो आप लोग इससे बच सकते हैं। और अब इस पानी को हम लोग छानते हैं छन्नी से, तो आप लोग इसका प्रयोग जो है वो छानने में कर सकते हैं। और जब ये हल्का गर्म रहे, मतलब कहने का है थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए इसे, और हल्का गर्म रहे तब इसको घूंट घूंट जो है वो पानी को पी सकते हैं। ये पानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होगा। इसको आप लोग दिन में 2 बार पीजिए और अपने उच्च रक्तचाप को कंट्रोल में कीजिए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ जो आप लोगों की दवाइयाँ दूर करेगा, एलोपैथिक दवाई।